सूरज ग्रहण क्या होता है, ठीक है। एक्लिप्स बेसिकली ग्रहण को कहते हैं। एक्लिप्स की डेफिनेशन जो है वो है इज द ऑब्स्करिंग ऑफ वन हेवनली और कैलिस्टिक बॉडी बाय अनदर, पर्टिकुलरली दैट ऑफ द सन और द मून। बेसिकली एक किसी भी बॉडी को ऑब्स्कर किया जाता है, उसकी रोशनी को जो है रोका जाता है, उसकी लाइट को रोका जाता है, कोई एक बॉडी जो है बिटवीन टू बॉडीज आ जाती है और किसी एक की लाइट जो है वो दूसरे तक नहीं जाती और इस वजह से क्या होता है उधर उस टेलेस्ट्रियल बॉडी पे डार्कनेस आ जाती है। हम एक चीज वाजे कर देता हूँ, तीन चीजें हमारे पास हैं, एक अर्थ है, एक सन है, एक मून है, तीन चीजें तो ये रिवॉल्व करती रहती है। सन स्टेशनरी रहता है, अर्थ भी रिवॉल्व करती है, मून भी रिवॉल्व करता है। ड्यूरिंग रेवोल्यूशन होता क्या है कि सोलर एक्लिप्स में मून जो है वो दरमियान में आ जाता है, अर्थ और सन के दरमियान में आ जाता है, ठीक है। मून जो है इसके दरमियान में आ गया, अर्थ और सन के दरमियान में आ गया, जमीन और सूरज के दरमियान में आ गया आम दोस्तों में। और उसका जो शेडो है वो फेस इट्स शेडो ऑब्स्कर द फेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द लाइट ऑफ द सन। होता क्या है कि जब मून जो है वो दरमियान में आता है तो सन की जो शुआएं आ रही होती हैं, जो रेज ऑफ लाइट्स आ रही होती हैं, वो ऑब्स्कर हो जाती हैं, उनको मून ऑब्स्कर कर देता है, उनको अर्थ पे आने नहीं देता, ठीक है। जो सन की लाइट है वो अर्थ तक नहीं पहुंचती। अब ये टू टाइप्स ऑफ द एक्लिप्स होता है, एक होता है टोटल एक्लिप्स, एक होता है पार्शियल एक्लिप्स। टोटल एक्लिप्स का मतलब ये है कि टोटली जो मून है वो बिटवीन द सन एंड द अर्थ आ गया, ठीक है, उसने कंप्लीटली ब्लॉक कर लिया पैसेज और कोई भी रेज जो है वो जमीन तक नहीं आ रही, मतलब कंप्लीट डार्कनेस आ गई जमीन पे। पार्शियल ये है कि पार्शली वो आया। अब एक दो टर्म्स यहाँ पे यूज होती हैं, एक होती है अम्ब्रा, एक होती है पेनम्ब्रा। देयर आर द टू टर्म्स। तो दो जो टर्म्स हैं इनके बारे में मैंने आगे ग्राफिकल इनकी पिक्टोरियल जो है रखी है कि आपको समझ आ जाए। बिटवीन इन बीच में आ गया मून, इन बिटवीन द सन एंड अर्थ देयर इज द मून। अच्छा अब देखिए, ये एक अम्ब्रा का पोर्शन है, ये पेनम्ब्रा का पोर्शन है। अम्ब्रा पोर्शन वो है जो सन के बिल्कुल नेक्स्ट टू द सन, नेक्स्ट टू द मून है, सॉरी सन नहीं मून है, ये मून है उससे नेक्स्ट जो है जो कंप्लीटली कवर कर रहा है, ठीक है, ये अम्ब्रा पोर्शन है। लेकिन जो उसकी अपर और लोअर साइड को कवर कर रहा है वो पेनम्ब्रा है। दोनों शेडोज हैं, डिफरेंट शेडोज हैं, एक अम्ब्रा है और एक पेनम्ब्रा है। अम्ब्रा जो है डार्क शेडो है, ठीक है, देयर इज अ कंप्लीट डार्कनेस। जो अम्ब्रा का पोर्शन होगा इसमें कंप्लीट डार्कनेस आ जाएगी। देखें कि अगर जो अम्ब्रा के पोर्शन में लोग रह रहे होंगे उनको जब सोलर एक्लिप्स लगेगा तो उनको लगेगा कि ये कंप्लीट डार्कनेस है, देयर इज द कंप्लीट सोलर एक्लिप्स देयर। और जो पेनम्ब्रा के रीजन में रह रहे होंगे उनको लगेगा कि देयर इज द पार्शियल एक्लिप्स, सम लाइट रेज आर कमिंग टू द अर्थ। ये देखिए कुछ लाइट रेज जो है, कुछ शेडो जो है वो आ रहा है, ठीक है। तो पेनम्ब्रा और अम्ब्रा आपको क्लियर हो जाना चाहिए। वो अर्थ जो है उसमें रिटार्डेशन क्रिएट करेगी, रुकावट क्रिएट करेगी, बिकॉज अर्थ जो है मून और सन के दरमियान में आ गई। तो इसी में भी इस तरह पेनम्ब्रल ल्यूनर एक्लिप्स होगा, पार्शियल ल्यूनर एक्लिप्स होगा, टोटल ल्यूनर एक्लिप्स होगा, तीनों मतलब तीनों चीजें होंगी। पेनम्ब्रल बेसिकली पार्शियल को ही कहते हैं, टोटल जो है वो अम्ब्रा का रीजन जो इधर नजर इधर भी आ रहा है, ये अम्ब्रा का रीजन, जिधर अम्ब्रा के रीजन में जो लोग रह रहे होंगे, इट सीम्स टू देम दैट देयर इज अ टोटल ल्यूनर एक्लिप्स एंड हूज रिजाइड इन द पेनम्ब्रा रीजन will say that it's a partial lunar eclipse or penumbral lunar eclipse. Okay?
आगे आ जाता है ब्लड मून। हम इसको पेनम्ब्रल और ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट हम दोबारा इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ब्लड मून आपको जैसा कि नाम से जाहिर हो रहा है, दैट मून होता है पार्शियल एक्लिप्स कब शुरू होता है, टोटल एक्लिप्स कब शुरू होगा। दिस बिगिंस व्हेन द पेनम्ब्रल पार्ट ऑफ द अर्थ शैडो स्टार्ट मूविंग ओवर द मून। जब अर्थ का जो पेनम्ब्रल पार्ट है वो मून की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है, ओवर द मून की तरफ नहीं, ओवर द मून, अबव द मून, ठीक है। जिसकी वजह से मून पे कोई लाइट नहीं जाती या कम लाइट्स जाती हैं, तो फेज इज नॉट इजिली सीन बाय द नेकेड आई, इसको हम अपनी आंख से नहीं देख सकते। देन इज अ पार्शियल एक्लिप्स, उसकी दूसरी फॉर्म पार्शियल एक्लिप्स है, पेनम्ब्रल के बाद ही पार्शियल एक्लिप्स है, बेसिकली पेनम्ब्रल रीजन में ही पार्शियल एक्लिप्स शो होता है। अर्थ अम्ब्रा स्टार्ट्स कवरिंग द मून, अम्ब्रा का जो अर्थ का जो अम्ब्रा पोर्शन है वो मून को कवर करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन कुछ कवर किया होता है उसमें कुछ पेनम्ब्रल रीजन होता है, कुछ अम्ब्रल रीजन होता है, अम्ब्रल रीजन कम होता है, पेनम्ब्रल भी कुछ उसमें टेक पार्ट कर रहा होता है। इस वजह से जो एक्लिप्स है वो मोर विजिबल भी होता है और पार्शियल होता है, कंप्लीट नहीं होता। इन ल्यूनर एक्लिप्स अर्थ लाइज बिटवीन सन एंड मून। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कितनी 18 मंथ्स में किसी एक दफा माइट बी पार्शियल, लेकिन ल्यूनर एक्लिप्स हर साल में दो दफा होता है। ऑकरेंस, सोलर एक्लिप्स जाहिर है दिन को सूरज निकलता है तो दिन को होगा, ल्यूनर एक्लिप्स जाहिर है जब रात को चांद निकलता है, फॉर एग्जाम्पल चांद की लाइट्स होती हैं, उस वक्त ही हमें पता चलेगा कि दिस इज द ल्यूनर एक्लिप्स ऑकर्स ड्यूरिंग नाइट। देन इज द फेज, न्यू मून पे सोलर एक्लिप्स हो जाता है, न्यू मून कम्स इन बिटवीन द अर्थ एंड द सन, सो देयर कम्स सोलर एक्लिप्स। ल्यूनर एक्लिप्स फुल मून पे होता है, ठीक है, आपको डिफरेंस पते होने चाहिए। स्पिन कर रही है, रोटेट कर रही है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट अर्थ इज स्पिनिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ये पूछा जा सकता है। और कितने टाइम के लिए एक टर्न इसका, कितना टाइम लेती है अर्थ अपना एक टर्न रोटेट करने में, इट टेक्स 23 आवर्स 6 मिनट्स एंड 4 सेकंड्स टू कंप्लीट वन फुल टर्न। पूरा एक टर्न जिसको हम कहते हैं 24 घंटे का दिन और रात होता है, ऑलमोस्ट 24 आवर्स करते हैं, 23 आवर्स 56 मिनट्स एंड 4 सेकंड्स। अर्थ की रोटेशन के इफेक्ट्स क्या हैं? कोरियोलिस इफेक्ट, द कांस्टेंसी ऑफ द अर्थ रोटेशन इन द सेम डायरेक्शन कॉज़ द अपीयरेंट डिफ्लेक्शन इन द फ्लो ऑफ पाथ flow pass of both winds and ocean currents. The reflection is to the right in the north hemisphere and to the left in the south hemisphere. अच्छा, revolve होता है किसी दूसरी, एक होता है अपने गिर्द घूमना, उसको हम rotation कहते हैं, किसी चीज का अपने गिर्द ही घूमना उसको हम rotation कहते हैं, लेकिन वो चीज जब किसी और टेलेस्टियल बॉडी के गिर्द घूम रही है तो उसको हम रेवोल्यूशन कहते हैं। तो अर्थ रिवॉल्व कर रही है सन के अराउंड इन नियरली सर्कुलर ऑर्बिट। अर्थ रेवोल्यूशन टेक्स अराउंड द सन टेक्स 365 डेज 5 आवर्स एंड 48 मिनट्स एंड 46 सेकंड्स। रेवोल्यूशन का टाइम आपको पता होना चाहिए, आपको पता है कि एक साल में अर्थ जो है अपना रेवोल्यूशन अराउंड द सन कंप्लीट करती है, उसको हम वन ईयर कहते हैं। उसमें डिफरेंट मंथ्स हैं, वो हमने खुद बनाए हुए हैं, बट जो रेवोल्यूशन है उसकी वजह से हमने एक साल को 365 डेज में रखा हुआ है, ठीक है। और इसी साल में सीजंस ड्यू टू रेवोल्यूशन ही बनते हैं। अच्छा, अब सर्दी और गर्मी का आपको मैं थोड़ा सा एक आइडिया दे दूंगा, सर्दी कब आती है और गर्मी कब आती है। जब अर्थ जिन हिस्सों में अर्थ जो है अर्थ कंप्लीटली रिवॉल्व कर रही है, डिग्री इतने एंगल पे अर्थ टिल्ट कर रही होती है, द
देन इज द सोलस्टाइस। अब ये चीज बड़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको पता होना चाहिए ये सोलस्टाइस क्या है। ये ऐसा एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है जो हर साल में दो दफा होता है, एक जून में होता है एक दिसंबर में होता है। इसमें क्या होता है कि दिन जो होता है या तो बहुत लंबा दिन होता है, पूरे साल का लंबा तरीन दिन होता है, लॉन्गेस्ट होता है, या वो शॉर्टेस्ट होता है, हम दोनों सूरतों में इसको सोलस्टाइस कहते हैं। अब जून 21 और 22 में कोई एक दिन हर साल सबसे लंबा दिन होता है साल का, लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा होता है, इधर इट इज 21 जून और 22 जून, और शॉर्टेस्ट डे ऑफ द ईयर जो होता है इधर इट इज द दिसंबर 21 और दिसंबर 22। आपको मस्ट पता होना चाहिए कि लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर कौन सा होता है और शॉर्टेस्ट डे ऑफ द ईयर कौन सा होता है, इसके फेनोमेना को, इसके इवेंट को हम क्या नाम देते हैं। देन इज द इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स का मतलब यह है कि जब दिन और रात की लेंथ सेम होती है, मतलब नंबर ऑफ आवर्स इन द डे एंड नंबर ऑफ द आवर्स इन द नाइट आर ऑफ द सेम लेंथ, उसको हम इक्विनॉक्स कहते हैं। तो ये भी साल में दो दफा आता है, एक है 21 मार्च और एक है 23 सितंबर। दोनों डेट्स पे दिन और रात जो है इक्वल लेंथ की होती है, सेम लेंथ की हो। ये एक शॉर्ट टर्म के लिए है और एक लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। और इस स्टडीज को क्या क्या कहते हैं आपको ये मस्ट पता चाहिए, बाकी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट ऑफ अम्ब्रा एंड पेनम्ब्रा। बिल्कुल, अपने एक्सिस के जो गिर्द होती है वो रोटेशन होती है, उससे हमारे डेज एंड नाइट्स आ रहे, जो रेवोल्यूशन होती है वो किसी और कैलेस्टियल बॉडी। अब सन जो है स्टैटिक है, उसके राउंड अर्थ रिवॉल्व कर रही है, इसकी वजह से सीजन आ रहे हैं। दोनों चीजें बड़ी क्लियर हैं, रेवोल्यूशन से सीजन आ रहे हैं, रोटेशन से डे एंड नाइट्स आ रहे हैं।